प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। माँ के भव्य दरबार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, नमस्कार। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए बेटा। हाँ जी, मेरा नाम दीपिका है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गुजरात बड़ौदा से बात कर रही हूँ। गुजरात से। बेटा अपना अपनी उम्र बताएं बेटा। मेरी उम्र 31 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 24। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। ललिता बहन। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा घर में सुख शांति नहीं है, बीमारी रोग दिखाई देते हैं बेटा। हाँ जी, हाँ जी, और कुछ ना कुछ बीमारी हर दिन हर समय घर में लगी रहती होगी, कोई ना कोई बीमार अवश्य चलता होगा बेटा। घर में कुछ ना कुछ बीमारी बेटा लगी रहती है। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी, सच है। दूसरा बेटा आपके कुछ विवाह में अड़चन भी दिखाई दे रही है। हाँ हाँ गुरुजी, सच कहा। विवाह के कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे, अच्छे अच्छे बेटा योग हाथ से निकल जाएंगे। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा है, मंगल और राहु का दुष्प्रभाव है, पितृ दोष है, जिसके कारण बेटा आपके घर में बीमारी निकलती नहीं है और बेटा आपके विवाह में थोड़ी अड़चन आ रही है। आपका जो शुक्र है वो बेटा परम नीच अवस्था में है। एक तो बेटा बेटे मंगल और राहु की विशेष शांति करवाएं। आप लोगों को करना क्या है कि हर मंगलवार को बेटा घर में गुड़ डालकर मीठे चावल बनाया करो, 3 हिस्से किया करो बेटा। एक तो मंदिर में हनुमान जी को भोग लगाएं, दूसरा गाय को दें और तीसरा परिवार में सबको खिलाएं। इसके अलावा बेटा आपको मंगलवार से 43 दिन लगातार माथे पर रूली का रक्त चंदन का तिलक लगाना है। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ पर आपको थोड़ी खैर की औषधि यानी खैर की समिधा, ये लकड़ी होती है बेटा, वो प्राप्त हो जाएगी। खैर की समिधा लेके आनी है, रात के समय थोड़ा सा टुकड़ा बेटा जल में डाल के रख दिया करो और सुबह उस जल से आप स्नान कर लिया करो। बल्कि परिवार के सभी लोग इस प्रकार से ये कार्य करना चाहिए सबको। और किसी भी एक बुधवार के दिन बेटा 1 मीटर नीला कपड़ा, 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम बेटा जौ, 800 ग्राम रांगा धातु, देखने वाला एक चौरस शीशा, 800 ग्राम कच्चा कोयला, ये सभी सामग्रियाँ परिवार के सभी लोग अपना हाथ लगाकर पूरे घर में घुमाकर उसको जाके जल में विसर्जन कर दें। बेटा घर में एक सुबह पराठा रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डालकर कौओं के लिए, ये आपने अवश्य करना है।
इसके अलावा बेटा आपने दिन में एक बार हल्दी वाला दूध अवश्य सेवन करना है। हर गुरुवार को छोटे गरीब बच्चों को बेटा केले दान किया करो। शुद्ध पीतांबरी पुखराज रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है और थोड़ी पितृदोष की बेटा शांति और मंगल राहु अंगारक दोष की आपको शांति करनी है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आएगी। गुरुवार के दिन बेटा आपने ना तो सिर पे साबुन शैम्पू का लगाना है, ना घर में कपड़े धोने। गुरुवार को पीत वस्त्र पीले वस्त्र पहनकर केले के वृक्ष पर पीतल के बर्तन से बेटा जल देके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पाठ किया करो। आपके सभी कार्य बेटा सिद्ध हो जाएंगे। इसी वर्ष आपके बेटा विवाह का कार्य संपन्न हो, घर से बीमारियाँ दूर चली जाएँ, ऐसी बेटा मैं आपको विशेष आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बेटा बड़े प्रेम से तीन बार हरिओम बोलो। हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, चलते चलते माँ देवी के चरणों में थोड़े पुष्प अर्पण करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये कार्यक्रम और मेरे द्वारा बोला कोई शब्द संभव नहीं है। तो उनके चरणों में आप सब की तरफ से पुष्पम समर्पयामि। अब श्री राम जी के की कृपा को प्राप्त करते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे कि हनुमान जी आप अपनी कृपा हम पर और सब भक्तों पर बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बेटा बड़े प्रेम से तीन बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।